वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सारियां जी आया जेड़ा अपना अनमोल समा कट के इस अज का जो एक उपराला है जो कि साढ़े सारियां दे जीवन दे नाल जुड़िया होया है, साढ़े सिर्फ सिखां दे नहीं दुनिया के हर एक मनुख के जीवन के नाल ये वाला विशा जुड़िया होया है, उसकी अज असी आप जी के नाल सांझ पाण जा रहे हाँ। जो कि आप जानते हो टॉपिक का नाम है शब्द गुरु सुरत तुन चेला। सो आप जी ने अनेक वारी इस तुक नू अनेक दीवान दे विच चाहे घर टीवी ते बैठ के जा समागम दे विच इस नू सुनिया भी है। मैं सोचती हाँ आप जी दे विचों सारे इस विषय ते जानकारी भी रखते होवोगे, कोई शक नहीं। आज दे दीवान दे विच साडे कोल मिली जुली संगत है, यह कह लो कि विद्वान भी बहुत बैठे होंगे जिन्हों पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी की समझ होगी, वो भी हो सकते हैं जिन्होंने ढाई अखर हजे गुरमते पढ़े हैं, उम्र के छोटे भी हो सकते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन एक अनुभव एक्सपीरियंस बना लिता है वो भी इस दीवान के विच बैठे हैं। साढ़े विच अज वो भी बैठे हैं जिन्होंने अनेक थावां तो अनेक काट तो पानी पीता है लेकिन नाम लैके कि गुरु नानक दे खूह है, उस अनुसार बहुत सारिया विचारधारावां अपने मन के बनाईया भी हुई हैं। दरअसल कई बारी ये होंदा है साढ़े नाल वापर जाता है कि असी जो जीवन पर अनुभव किया है एक्सपीरियंस किया है उसनु सच समझ के उस उत्ते ही अपनी इमारत खड़ा करना चाहते हैं कि इस तो उपर की कोई गल दसे, पर हो सकता है साड़ी फाउंडेशन नींव ही दोबारा रखनी पवे। आज का टॉपिक शुरू करने तो पहले कुछ तुक मात्र विचार ने जड़िया बड़िया इंपॉर्टेंट ने जड़िया सानू अपने सफर ते लैके जाणगियां उसके बारे थोड़ी जी सांझ करते हैं। असी सारे जपजी साहब का पाठ जब करते हैं या सुनते हैं तो सहज सुभाए कितना ही वारी पढ़ चुके होवांगे या अखंड पाठ रूप दे विच सुन चुके हाँ, सुने हैं दुख पाप का नाश, सुने हैं दुख पाप का नाश। गुरु पातशाह जी मैं तो बहुत बाणी सुनी है, मैं तो बहुत बाणी पढ़ी है, मैनु कंठ भी है, तो फिर तुसी केड़ा सुनिया कहंदे हो? वो केड़ा सुनना है जिदे नाल दुख पाप का नाश हो जाता है अते जीवन दे विच आनंद खेड़ा ब्लिस आ जाता है। नानक पातशाह जी को सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि साड़ा सारा दा सारा टॉपिक आज जो है इस सुने ते खड़ा है, सुने दुख पाप का नाश। नानक पातशाह कहते ने जो तू सुने है ना राग नाद सब को सुने, ये चंगा कीर्तन करते हैं इन्हों की आवाज मिठी है, ये राग मैनू पसंद है, राग नाद सब को सुने, हर मनुख सुनता है बहद्या उठद्या, शब्द सुरत समझ है बिरलोई। कहते जी शब्द की सुरत है ना वो कोई विरला ही समझता है, सुने
दुख पाप का नाश। फिर गल समझिए दोबारा, गुरु पातशाह जी सुने दुख पाप का नाश, तो मैं की सुनना है? दरअसल टॉपिक सुने वो आज सदा है नहीं, पर इतना कुछ समझ लिए कि जे शब्द की सूरत बारे समझ नहीं आया तो मैं जो भी सुनिया है ना, अपने हिरदे अंदरों दो आवाजा विचों ना जिहड़ा मन राजा है ना उसकी आवाज सुनी है हुण तक। सो तुसीं ध्यान मारो, घर दे विच फोन वज आए, टीवी उच्चा चलता होए, तो असीं दूजे कमरे में चले जाने कि मैं वो आवाज नहीं सुन सकता, टीवी की आवाज टकरावेगी। या फटाफट कह दें टीवी बंद करो, इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं मैसेज लेना है। इट मीनस दो आवाजा कठिया आ रही होन तो असीं कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते कहने वाले ने की किया है। एम आई राइट जी? बस साढ़े अंतर इस वक्त दो ने तीन आवाजा चल रही ने, एक साड़ा जो मन बोल रहा है, दूजा जो साड़ा समाज बोलता है, समाज च रहना है, ते तीजा जो बोलन वाला है वो देखता ही रह जाता है मेरी कदों वारी आओ। कहते ने शब्द सुरत समझे विरलोई, वो अपनी वारी की इंतजार च है। इसनों कहते ने घर घर एहो पहुंचा, सदड़े नित पवन। ये मरण के सदे की गल नहीं चल रही, है उस सुने की सच की सदे की। घर घर एहो पहुंचा, सदड़े नित पवन। अंदर वाला आवाज देता है रोज, सदन हारा सिमरी है जी, उसनों सिमरी है जी, उसकी आवाज़ नू सुनने की प्रैक्टिस कर लीए ना, नानक से दे आवाज साढ़े भी मिलन के दिन आ जाएंगे, आनंद खुशियां के दिन आ जाएंगे। सो मैं आज दे टॉपिक दे विच बड़ा ही इंपॉर्टेंट गल बार बार सांझ करांगी कि सुनिए, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज दे टॉपिक विच। असे मते मिसकैलकुलेट ना कर जाइए, सुनने विच कितने भी गलती ना खा जाइए, तो असि गलती खा कितने जाने हैं? मैं आप जी दे नाल एक गल सांझ करदी हां, शायद पता लग जाएगा। आई होप किड्स आर हियर, लॉट्स ऑफ किड्स, आई विश के बच्चे आए होण अजकल माँ बाप दे नाल। तो कोई माँ बाप को कहना नहीं पड़ेगा साडा बच्चा सिखी ते नहीं चलता या नहीं चलना चाहता या वो इंस्पायर नहीं होता। आई कैन से दैट टूडे अगर वो बच्चे अज आ जाण तां। एक मेरे वर्गी बीबी सैर करन गई जंगल विच, सोना माहौल दे विच मौज मस्ती विच सैर कर रही है कि उन्हों आवाज आई एक डड्डू दी, मेंढक दी फ्रॉग, कि आई एम ट्रैप्ड, कैन यू ओपन मी, मैं इत्थे ट्रैप हो गया वा, मैनू खोल दे आके। वो मस्त जा रही है, उन्हों फिर आवाज मारदा है, मेरे कोल विश पूरी करने की ताकत है, मैनू खोल तेरिया विशेस पूरिया कर देंगा। रुक जाती है, कौन नहीं चाहता साड़िया विशेस डिजायर पूरिया हो। डड्डू नू खोल देंदी है, बाहर आ जाता है। डड्डू कहता है आओ मैं तेरिया विश ते पूरिया कर सकता वा ते करांगा, पर मैं तेनों एक गल दसना भूल गया। कहती है कि कहता है जो तू विश मंगेगी ना उती 10 गुणा तेरे पति नू मिलोगी। लै दे की है मेरा पति है। कहता मंग, मेरी पहली विश मैं दुनिया की सब तो सोहनी खूबसूरत औरत बन जावा। बीबी ही मंगती है। कहता देख लै कंडीशन पति की बनू। कहती कोई ना, दुनिया की सब तो सोहनी तो मैं ही हाँ, पिछे तो मेरे ही आना। तथास्तु। दूजी मंग, मंग
दुनिया की सब तो अमीर स्त्री मैं बन जावा। मनुख को दो डिजायर ने, कहता फिर सोच ले सब तो अमीर का मतलब की हो। कहते घर का पैसा घर च ही रहना, मेरी विश पूरी कर दे तथास्त। तीजी मंग मंग, मैनू माइल्ड हार्ट अटैक हो जाए, बस भुलेखा खा गई। सोच बैठी कि शायद 10 times वादू हो जाए, वो 10 times घट हो गया, थोड़े जी सोनिया गड़बड़ हो गए। साडा सुनिया की जिहड़ी सूई है ना, जरा जी भी इंच दी इंच हो जाती है ना, तो जो गुरु पातशाह जी का सिद्धांत आना सुने है, दुख पाप का नास, उसनू सारी उम्र कैच नहीं कर पाते जीवन दे विच। गुरबाणी विच गुरु पातशाह जी कहंदे ने, गगन दमामा बाजियो पढ़ियो निशाने काओ, निशाने खेत जो मार दियो सूरमा अब जूझन को जाओ। जे निशाने ते नहीं लग्या ना, ता दर दर दी पटकना पटकांगे। प्लीज मैनू माफ करना, जदों ए मैनू इंट्रोड्यूस करदे ने कोई स्कॉलर कह के, ते मैं अपने आप च हसदी हाँ कि पिता जी कोलो 2 अक्षर पढ़े सन उसके नाम से, इन्होंने मैं स्कॉलर लगा दिता, तो मैं शर्म भी आती है। हो सकता है तुहाडे विचों बड़े लोग उम्मीद करके आए होण कि अज सानू ध्यान लगवा ही देगी। ध्यान लगवाण वाली मैं कोई नहीं, गुरु पातशाह जी बाबा देखे ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिस आई। ये वाला ध्यान जेकर अज लग गया, माफ करना टीवी का जेड़ा चैनल लगाओ, एक अपने किस्म का ध्यान लगवाया जा रहा है। अड अड नाम ने, लेकिन गुरु नानक पातशाह जी की विचारधारा हेठ भी बड़ी सारी वरायटी आ गई है। कोई खुलिया अखा ध्यान, कोई अखा बंद ध्यान, कोई मंजे के उपर बैठ के ध्यान, कोई मंजे के नीचे। एंड मेरे जिया मनुख, मैं चारे कुंडा पा लाई हाँ तुद जे वडना साई हाँ। हर तरह दिया मैडिटेशन सेंटर के उत्ते बड़े बड़े दिन बिताए ने। I've experienced. So please, जो नानक पातशाह जी ध्यान लगाएंगे ना, शब्द सुरत समझे विरलोई वाला, बस ओ ही आनंद की मंजिल है, ओ ही जीवन का शिखर है, ये असी आज इत्थे समझना है। So इस सुने दे विच एक पॉइंट जो आप जी ने अपने नाल रखना है, वो है मैं किथे खड़ा हाँ, जा मैं किथे खड़ी हाँ। असी मॉल ते जांदे हाँ, इतने वड़े वड़े मॉल विच जे पता ना लगे कि मैं किथे खड़ा हाँ, तो असी कन्फ्यूज हो जाने हाँ। वी आर नॉट एबल टू रीच द राइट स्पॉट एंड गेट अवर स्टाफ। सो मैं किथे खड़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ज्ञान की गल कि भी सुननी लैनी है, उस वास्ते सुने इंज की हो कि पता लग जाए कि जीवन दे विच मैं कितने खड़ा हाँ। जेकर ये हाथी च रहे तो फिर सफर दे असी 2 कदम चुक सकते हाँ, अते अपनी डायरेक्शन बना सकते हाँ कि इत्थों मैं कितने जाना है। सो अज की विचारधारा दे विच जो मैं आप जी के नाल सांझ पावांगी, वो है गुरबाणी की रोशनी विच गुरु शब्द गुरु जां सतगुरु का की सिद्धांत है। नंबर 2, सिख किसनू कहंदे हन। जो असीं जानते हैं उहदे नाल नाल कुछ एडिशनल इनफॉर्मेशन भी सानू मिल जाएगी। सिंह अते कौर रूप विच अपनी पछाण, साडा सेकंड पार्ट है सुरत की हुंदी है।
ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਰਤ ਪੂਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਸੋ ਵਧੇ ਵਧੀ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਥਾਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਤਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜਨਸ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਚੰਗੇ ਖਵਾਏ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੇਬਲ ਸੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਲੇਬਲ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਪੂਲਰ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪਾਪੂਲਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਣ ਵਕਤ ਜਾਣ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹੋ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਮਨ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਟੀਚਰ ਸੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਸ ਇਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁਛ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਕਵਣ ਮੂਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਵਣ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲੇ ਨਿਰਾਲੇ ਮਤਲਬ ਵਿਲੱਖਣ ਅਲੱਗ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ